गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रीन एंड बीन्स। और आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट डिश चिली पटेटो। चिली पटेटो बनाने के लिए हमें आलूओं को कट कर आरारोट से कवर करना होगा अच्छी तरीके से, और कैप्सिकम को स्लाइस करके काट दिया है। रेड चिली सॉस चाहिए, टमाटो केचप, शेजवान चटनी, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसे गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाए तब इसमें आलूओं को फ्राई करेंगे। आलूओं का कलर जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इन्हें अलग निकाल दीजिए। अब शिमला मिर्च को हाफ फ्राई करा है और थोड़ी सी हमने सेम सीड्स ली है, इसे हम फ्राई कर देंगे। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल अलग डालेंगे, उसके बाद अपनी कैप्सिकम्स डाल के उन्हें प्रॉपर फ्राई करके इसमें रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून डालेंगे। हाफ कप ऑफ वाटर, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, शुगर हमने 1 टेबलस्पून डाली है। अब 1 कप सोया सॉस, 1 कप विनेगर, 1/6 चटनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे, जितना आपको तीखा पसंद है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम इन आलूओं को इसमें सॉस में मिक्स मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसमें तिली स्प्रेड कर देंगे। फिर हमने वापस मिक्स कर दिया है। इसमें अगर आपको चाहिए तो कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए, वरना आपके चिली पटेटो रेडी। ये देखिए, आप चिली पटेटो घर पर बना सकते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।